हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक एंड सर्व। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लोग कोई सब्जी या कोई और डिश नहीं बनाएंगे, कोई स्वीट डिश नहीं बनाएंगे। आज हम लोग एक हेल्दी सैलड बनाएंगे वेट लॉस के लिए। एक्चुअली मेरी एक मौसी का बेटा, वो हमेशा बोलता, दीदी आप दूसरों के लिए ये रेसिपीज बना के शेयर करते हो, कोई मेरे लिए भी बना के शेयर करो। तो ये आज मैं उसी के लिए बनाकर शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ली है, सबसे पहले ये एक रेड कैप्सिकम है, यहाँ पर कुछ बीन्स ली हैं, 100 ग्राम पनीर लिया है, ये कुछ मेरे पास मशरूम है, ये एक कॉलीफ्लावर है गोभी है, और ये मेरे पास दो गाजर ली हैं मैंने, और ये मेरे पास लहसुन है। सबसे पहले हम लोग इन सब्जियों को काट लेंगे, जो भी शेप हमें पसंद है हम उसमें काट लेंगे इनको। ये देखिए सब्जियां हमारी सभी कट चुकी हैं, और अभी हम लोग इनको स्टीम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे वाले टायर में ले लिया है पानी, और ऊपर वाले में हम लोग सब्जियाँ रखेंगे। सारी इकट्ठी स्टीम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग उन सब्जियों को रखेंगे जिनको ज़्यादा टाइम लगता है स्टीम होने में। और ये मैंने बीन्स रख दी हैं, और दूसरे नंबर पे हम लोग रखेंगे गाजर। और साथ ही हम लोग रख देंगे मशरूम। अभी हम लोग इनको बंद कर देंगे, और 4 मिनट के बाद हम लोग दूसरी सब्जियां रखेंगे। इन सब्जियों को पकते हुए हो गए हैं 4 मिनट, और अभी हम लोग इनके ऊपर जो दूसरी सब्जियां हमारी वो भी रख देंगे। 7 से 8 मिनट तक स्टीम करेंगे, और फ्लेम को हम लोग कर देंगे स्लो। देखिए सब्जियों को स्टीम होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और इनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। और अभी मैं इसको बंद कर दूंगी और वेजिटेबल्स को निकाल लूंगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बटर लिया है, और उसमें मैं गर्म करके डाल रही हूँ हमारा लहसुन। लहसुन की मैंने बड़ी वाली 3 क्लोव्स ली थी, वो छोटी के 3-3 के बराबर एक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट चला जाए। गार्लिक का कलर चेंज हो गया, और अभी मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच सिरका। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच से भी कम सिरका। यहाँ पर मैं डाल दूंगी काली मिर्च, ये मैंने डाला है क्रश्ड जीरा, और ये मैंने डाला है इसमें ब्लैक सॉल्ट। और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी अभी हमारा पनीर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो बॉयल हैं, सॉरी स्टीम्ड हैं, गर्म हैं, और हम लोग 1 मिनट के लिए पनीर को इसमें टॉस कर लेंगे। इनको हल्के हाथों से हम लोग मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप उसको टॉस भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर इटालियन सीजनिंग डाल देंगे 1/2 चम्मच, सैलेड हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।